अगर आपकी ज़िंदगी में है स्ट्रेस, परेशानी यानी कि दिक्कत, तकलीफ़, दुख और दर्द, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरी आवाज़ को गौर से सुनिएगा। हेडफोन्स का कर लीजिएगा इस्तेमाल, क्योंकि ये होगी थोड़ी ज़्यादा बात यानी कि गंभीर बात। जी हाँ, तो आपको है स्ट्रेस यानी कि दिक्कत, तो इसकी तो एक ही वजह है। वजह क्या है? पानी जब खड़ा रहता है तो बदबू आती है, नदी जब चलती है तो अच्छी लगती है ना अच्छी। नदी किनारे टेंट लगाना और देखना कितना प्यारा होता है सीन। वैसे ही अगर वो एक खड़ा पानी हो, यानी कि तालाब हो, पॉन्ड हो, खड़ा हुआ पानी जो चलता ना हो, बहता ना हो, एक ही जगह पर स्थिर हो, क्या आप वहाँ पर टेंट लगाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे उस व्यू को? नहीं। 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद आप वहाँ से चले जाएंगे। यही है आपकी ज़िंदगी में हो रहा सब कुछ। जैसे कि आप सुबह उठे, ठीक हो गया, सुबह उठ के अपने काम पर गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस गए या अपने दुकान वगैरह में गए, शटर खोला, ऑफिस का दरवाज़ा खोला, काम किया, दना दन 8-9 बजे वापस आए और फिर सो गए। ये ज़िंदगी है आपकी, और इस ज़िंदगी में आपको वही लोग मिलते जा रहे हैं जो आपको रोज़ मिलते हैं सुबह से शाम तक, वही रूटीन, वही लोग। अगर आप किसी भी एक इंसान के साथ 10 दिन लगातार गुजार लेंगे तो ये पक्की बात है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई बहस उस इंसान के साथ आपकी ज़रूर हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान के जो एक होती है ना सोच, वो बहुत अलग होती है। आप कहेंगे लेफ्ट जाना है, वो कहेगा राइट जाना है। आप कहेंगे जलेबी खानी है, वो कहेगा नहीं कुछ नमकीन हो जाए ऐसा। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और फिर आपकी लाइफ में दिक्कत आती है। ये तो सिर्फ दोस्ती के लेवल की बात है, काम में भी होता है कि भाई तुम काम करो, वो कहते तुम काम करो, आप करो दिक्कत, ये काम तो आपका था मैं क्यों करूँ, सही हो गया ना। घर के बिल भी अगर पे करने हो तो कहते आप कर दो, वो कहते आप कर दो, अरे ज़रा जाना दुकान से चीनी ख़त्म हो गई है। दूसरा बोलता है हाँ कल ले आएंगे, अरे आज क्यों नहीं। इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की छोटी मोटी लोग कहते हैं नोक झोंक, लोग बोलते हैं इसको नोक झोंक, वो होती है। इन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे? अपनी लाइफ में चेंज ला के। चेंज कैसे आएगी? वो खड़े हुए पानी को बहना पड़ेगा, खड़े हुए पानी आप हैं। अगर आप वही काम करते जा रहे हैं जो रोज़ करते हैं और कुछ और नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि बदबू आने लगती है उस पानी से। बहना सीखिए। क्या कहा मैंने? बहना सीखिए उस नदी के समान जो दिखती है बेहद खूबसूरत। सही सुना मेरे दोस्तों, बह जाओ यानी कि निकलो, उस रूटीन को तोड़ो, उठो, जागो और भागो। हो सके तो मॉर्निंग वॉक करो रोज़, देखना कैसा लगता है। अगर इससे ज़्यादा करना है तो कुछ दिन के लिए किसी के पास चले जाओ, रिश्तेदार के पास। पैसे कम हो तो चलो 5 दिन 2 दिन 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा वैसे रिश्तेदारों के घर नहीं रहना चाहिए। पहले दिन रिश्तेदार आओ भक्ति करेंगे, दूसरे दिन खाना भी देंगे, तीसरे दिन कहेंगे वो पड़ा है वहाँ से ले जाना, चौथे दिन कहेंगे खाओगे या नहीं खाओगे, या फिर जाओगे कब जाओगे, ऐसे भी हो सकता है। तो यही है आपके साथ दिक्कत। आप निकलिए घर से बाहर, यानी कि कहीं ना कहीं जाइए, लॉन्ग टूर शॉर्ट टूर मारते रहिए। 6 महीने में एक बार तो इंसान को अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना यानी कि घूमना चाहिए, ठीक हो गया। गाड़ी में तो पेट्रोल डलवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो इंसान की सर्विस कब होगी? वो भी तो होनी ज़रूरी है, यानी कि है अनिवार्य। तो क्या ख्याल है आपका? अपने घर को थोड़ा त्याग करना सीखिए, बाहर जाइए, बह जाइए थोड़ा सा नदी के समान। अगर वहीं खड़े रहेंगे तो दिक्कत यानी कि प्रॉब्लम तो आएगी। क्या ख्याल है आपका? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ में रिफ़्रेश बटन दबाना सीखिए। राइट क्लिक कीजिए और बजाइए ये रिफ़्रेश वाला बटन, ठा करके ठा।
क्या करके बजाइए, क्या ख्याल है? तो ऐसे ही बहुत सारी बातें करने के लिए हम जुड़ेंगे रोज़ रोज़ रोज़। क्या ख्याल है आपका? मुझे कमेंट करके बताइए मेरे विचार आपको कैसे लगे, बहना पसंद है या खड़े होना पसंद है, कमेंट पे बताइएगा। बातें अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना क्योंकि ऐसी बातें और भी करेंगे रोज़। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना आप, दबा देना, ठीक है? पक्का पक्का वेट करूँगा आपकी कमेंट की, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।